नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 का मैच नंबर 27 11 अक्टूबर को यानी आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबू धाबी के अबू जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच, और इस वीडियो में हम इस महा मुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या होने वाले इस महा मुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, क्या क्या बड़े बदलाव हमें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड के स्टैट्स के आधार पर कौन सी टीम इस महा मुकाबले में जीतने वाली है, और साथ ही साथ कौन है वो 5 आइकॉन खिलाड़ी जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, यानी पूरी तरह से इस वीडियो में इस महा मुकाबले को हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और यदि आपको भी आईपीएल 2020 देखने में मजा आ रहा है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस महा मुकाबले को माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं। फिलहाल वहां पर बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है जी, वहां पर ज्वाइन होते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस महा मुकाबले के लिए सौरव गांगुली ने भी अपनी वहां पर टीम बनाई है, और यदि आपकी टीम सौरव गांगुली की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिलने वाला है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस महा मुकाबले की। तो एक तरफ यहां पर है रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ है श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स, और आईपीएल 2020 में ये दोनों ही टीमें धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रही है, और बहुत ही रोमांचक टक्कर हमें यहां पर इस मैच में अबू धाबी के मैदान पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 24 बार आमने सामने हुई है, और हर बार यहां पर इन दोनों ही टीमों के बीच हमें तगड़ी टक्कर देखने को मिली है। जी हां, यहां पर किसी भी टीम का पलड़ा ज्यादा हैवी नहीं है। दोनों टीमों ने यहां पर 12 बार जीत दर्ज की, यानी अभी तक हेड टू हेड में ये दोनों टीमें बिल्कुल बराबर चल रही है, जिसके चलते बहुत ही रोमांचक टक्कर हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 में इन दोनों ही टीमों के परफॉर्मेंस की। तो दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2020 में अभी तक कुल 6 मैच के लिए जहां पर 5 मुकाबलों में बहुत ही रोमांचक जीत मिली है, केवल 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। वही दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने भी अभी तक 6 मुकाबले के लिए जहां पर 4 मुकाबलों में जीत मिली है, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी आईपीएल 2020 दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही शानदार चल रहा है, और बहुत ही रोमांचक परफॉर्मेंस हमें यहां पर इन दोनों ही टीमों की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इस महा मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर्स की। तो मुंबई इंडियंस यहां पर रोहित शर्मा और क्वेंटम डी कॉक के साथ उतरने वाली है, वही दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के साथ उतरने वाली है। शिखर धवन फिलहाल आउट फॉर्म चल रहे हैं, पृथ्वी शॉ लगातार यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वही इधर यहां पर फिलहाल क्वेंटम डी कॉक काफी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। रोहित शर्मा लगातार आप सभी को पता है किस टाइप का परफॉर्मेंस करते हैं, और यहां पर ओपनर्स के मामले में वन साइडेड मुझे मुंबई इंडियंस का पलड़ा हैवी लग रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो 2 बड़े नाम है वो कहीं ना कहीं हर बार शानदार परफॉर्मेंस यहां पर टीम के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो मुंबई इंडियंस के पास यहां पर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और किरण पोलार्ड जैसे खिलाड़ी है, वही दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के पास यहां पर सिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, और यहां पर मिडिल ऑर्डर के मामले में मुझे थोड़ा सा पलड़ा हैवी लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि फिलहाल श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है, ऋषभ पंत किसी भी वक्त फॉर्म में आ सकते हैं, सिमरन हेटमायर ने पिछले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, वही दूसरी तरफ यहां पर मुंबई इंडियंस के पास सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन है, जो जिनकी फॉर्म फिलहाल कुछ खास नहीं चल रही है, जिसके चलते मिडिल ऑर्डर की जंग यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने जीत ली है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर की। तो मुंबई इंडियंस के पास यहां पर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या मौजूद है, वही दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के पास यहां पर मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल, और यहां पर ऑलराउंडर्स के मामले में भी मुंबई इंडियंस का पलड़ा हैवी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की बराबरी यहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं दोनों टीमों के मेन बोलर्स की। तो मुंबई इंडियंस के पास यहां पर जेम्स पैटिनसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये 4 गेंदबाज मौजूद है। वही दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के पास यहां पर रविचंद्रन अश्विन, का गिसो रबाडा, एंड्रिस नोर्टजे और हर्षल पटेल, ये 4 गेंदबाज मौजूद है। यहां पर गेंदबाजी में
में कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों की गेंदबाजी यहां पर काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहां पर थोड़ा सा पलटा है भी मुंबई इंडियंस का, क्योंकि आप सभी को पता है इस टीम के तीनों गेंदबाज, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो यहां पर जेम्स पैटिंसन हो, तीनों ही गेंदबाज लगातार इस टीम के लिए विकेट निकाल रहे। वही दूसरी तरफ एंड्रिस नोर्टज और कगिसो रबाडा भी विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाजी के मामले में मुंबई इंडियंस का पलटा मुझे यहां पर हैवी लग रहा है। ओवरऑल कंपैरिजन की हम यहां पर बात करते हैं तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा हैवी पड़ने वाली, क्योंकि आईपीएल 2020 में वैसे तो अभी तक दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहां पर अगर हम ऑनेस्टली कंपेयर करते हैं तो मुंबई इंडियंस का पलटा थोड़ा सा हैवी नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट एंड ग्राउंड स्टैट की। मैंने आप सभी को बताया कि अबू धाबी के अबू जायद क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक होने वाला है मैच, जो ग्राउंड की बाउंड्री वो एवरेज बाउंड्री है, कुछ ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 180-190 रन हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 200 पार के यहां पर लगभग ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि बाउंड्री मतलब इतनी छोटी बाउंड्री नहीं है, एवरेज बाउंड्री है। और यहां पर जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए थोड़ा फ्रेंडली रहती है, थोड़ी सी मदद यहां पर मीडियम फास्ट बॉलर्स को मिल सकती है। वहां पर गर्मी फिलहाल बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते ह्यूमिडिटी भी होने वाली है, खिलाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। और जो टीम बाद में गेंदबाजी करेगी उसको तो यहां पर भाई डेफिनेटली काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि बाद में ड्यू परेशान करने वाली, जिसके चलते गेंद गीली होगी और यहां पर बॉलर्स को गेंद डालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन पांच आइकॉन खिलाड़ियों की जिनको हमें अपनी फैंटेसी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर है श्रेयस अय्यर, तीसरे नंबर पर है किरण पोलार्ड, चौथे नंबर पर है जसप्रीत बुमराह और पांचवें नंबर पर है कगिसो रबाडा। इन पांच खिलाड़ियों को हमें किसी भी हालत में अपनी फैंटेसी टीम से मिस नहीं करना है। ये पांचों खिलाड़ी लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खैर आपको टीम तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैं आप सभी को हर मैच की टीम दे रहा हूं वहां पर, तो आप भी फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ग्राउंड के स्टैट्स के यहां पर बात करते हैं तो भाई इस मैदान पर अभी तक कुल 51 या 52 मैच खेले गए हैं, जहां पर जो टीम बाद में बल्लेबाजी करने उतरती है वह टीम ज्यादा जीतती है। शायद यहां पर 27 या 28 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, 21-22 बार यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत पाई है। लेकिन आईपीएल 2020 में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो बाद में शानदार डिफेंड कर रही है, जिसके चलते मेरे ख्याल से तो यहां पर भी वही सीन होने वाला है। जो टीम टॉस जीतेगी वह बल्लेबाजी की तरफ जाना पसंद करेगी, तो भाई कुछ ऐसा रहने वाला है इस महामुकाबले का पूरा सिनेरियो। प्रिडिक्शन की मैंने बात कर ली, यहां पर प्लेइंग 11 में किसी भी टाइप का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रिडिक्शन के बारे में अगर फिर से बता देता हूं कि भाई मैं मुझे तो यहां पर मुंबई इंडियंस का पलटा है लग रहा है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि यहां पर बल्लेबाजों के मामले में, ओपनर्स के मामले में, ऑलराउंडर्स के मामले में और साथ ही साथ गेंदबाजों के मामले में भी थोड़ा सा पलटा है भी यहां पर मुंबई इंडियंस का लग रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस यहां पर दोनों ही टीमों ने जबरदस्त किया, लेकिन फिर भी मैं यहां पर मुंबई इंडियंस के साथ जाना पसंद करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, दिल्ली कैपिटल्स या फिर मुंबई इंडियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।